एक बात कही थी बहुत पहले, आज से 5000 वर्ष पहले। महर्षि वेदव्यास से कैसे ऋषि हुए भारत के, जिन्होंने भारत की ज्ञान की पूरी परंपरा को, भारत की इस धरोहर को विस्तार देकर के संहिताबद्ध करते हुए भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का कार्य किया। पर इसीलिए आज भी हम देखते होंगे कि महर्षि वेदव्यास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी जयंती को हम गुरु पूर्णिमा के रूप में, सनातन हिंदू धर्म के गुरु के रूप में उनको मान्यता देते हैं। हमारे यहाँ कथा परंपराओं में जो पवित्र पीठ होता है वो व्यासपीठ, इसी श्रद्धेय ऋषि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए होता है। उन्होंने एक बात कही थी, महाभारत काल के 8 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और उसका संरक्षण किया, और उस समय के व्यवस्था को उभरते हुए उस राजवंश को भी देखा, और महाभारत युद्ध के साक्षी भी वे बने थे। उन्होंने एक बात कही थी कि उर्ध्वबाहुर विरोमयेश न च कश्चित् शृणोति माम्, धर्मार्थ अर्थस्य कामस्य च स किमर्थम् न सेव्यते। महर्षि वेदव्यास ने एक बात कही थी महाभारत के, उन्होंने कहा कि उनकी प्रथा थी कि मैं बाहें उठाकर लोगों को समझा रहा हूं कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, इसलिए क्यों नहीं धर्म के मार्ग पर चलते। पर कोई मेरी सुनता ही नहीं। ये केवल वेदव्यास की पीड़ा नहीं थी, 2014 के पहले पूरे देश की और 2017 के पहले पूरे उत्तर प्रदेश की भी यही पीड़ा। उत्तर प्रदेश को जिन लोगों ने 4-4 बार प्रदेश में शासन किया, एक लंबे समय तक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहे, वे उत्तर प्रदेश को कहां लेके गए थे? पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश वासियों के सामने, एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो हे दृश्य देखा जाता था, नौजवान कहीं जाता था नौकरी नहीं मिलती थी, यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी, किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई थी। महोदय कौन जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए? और आज उत्तर प्रदेश ने 22 जनवरी 2024 22 जनवरी 2024 की घटना को भी देखा है, पूरा देश अभिभूत था, पूरी दुनिया के अंदर हर वह व्यक्ति जो सत्य का पक्षधर है, न्याय का पक्षधर है, वह अभिभूत था, गौरवान्वित था। हर सनातन धर्मावलंबी की आंखों में आंसू थे, हर्ष के, गौरव के, और अपनी कई पीढ़ियों को वह इस आयोजन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ सहभागी बनकर के अपनी पीढ़ियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी कर रहा था और तर्पण भी अर्पित कर रहा था। यह मेरा सौभाग्य है कि उस आयोजन में मैं
प्रत्यक्ष रूप से था, वहां के वातावरण को मैं समझ सकता था। 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की आबादी और 140 करोड़ का हमारा देश, कमोवेश हर प्रदेश का प्रतिनिधित्व था, नेतृत्व वर्ग था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति थी, पूज्य संतों के आचार्यों की और समाज के हर तबके की उपस्थिति वहां पर मौजूद थी। अद्भुत वातावरण था, ऊर्जा से भरपूर था। और यही उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को देख करके उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में टिप्पणी होती थी, आज उस उत्तर प्रदेश जहां कोई आना नहीं चाहता था, आज देश और दुनिया का हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश आने के लिए तैयार बैठा। ये घटनाएं कैसे परिवर्तित करती हैं? और इसीलिए जब मैं इस सदन में मिला, पहले दिन जिस दिन दलीय नेताओं की बैठक थी, तो हर सदस्य के चेहरे पर एक आत्मसंतोष का भाव था। हो सकता है पार्टियां के अपने भेद हो सकते हैं, लेकिन मन में एक संतोष था कि जो हुआ है अयोध्या में अच्छा हुआ है। और हर व्यक्ति के मन में एक भाव था कि नहीं, अयोध्या हम सबको चलना चाहिए। अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय क्षण था, हर व्यक्ति गौरवान्वित था, गौरव की अनुभूति कर रहा था। और गौरव की अनुभूति इसलिए कर रहा था कि 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल तक चले लंबे संघर्ष, लंबी कवायद, लंबा वाद विवाद सर्वानुमति के साथ उसका समाधान का रास्ता निकला और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप आज रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त न केवल हुआ है, बल्कि रामलला वहां प्रत्यक्ष रूप से विराजमान भी हुए और सबकी पसंद। दुनिया के अंदर पहली घटना थी जहां प्रभु को अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे, स्वयं प्रमाण जुटाने पड़े थे। लेकिन राम की मर्यादा हमें धैर्य की प्रेरणा देती है। उस धैर्य के साथ जो 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल को सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने व्यतीत किया, ये वे धैर्य उस प्रसन्नता के रूप में, दीपोत्सव के रूप में, आतिशबाजी के रूप में 22 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी हम देख रहे थे, हर ओर से एक ही आवाज आ रही थी। यह अद्भुत क्षण था और हमें प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। लेकिन प्रसन्नता इस बात की भी थी कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। जो कहा सो किया, जो संकल्प लिया उसकी सिद्धि भी हुई। केवल बोलते नहीं हैं, करते भी हैं। और आज नव्य, भव्य और दिव्य अयोध्या को देख करके भी हर व्यक्ति अभिभूत है। महोदय, कार्य बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हम मानते हैं मंदिर का विवाद न्यायालय में था,
लेकिन वहां की सड़कों को तो चौड़ा किया जा सकता था ना, वहां के घाटों का पुनरुद्धार किया जा सकता था, अयोध्या वासियों को बिजली की आपूर्ति की जा सकती थी, वहां स्वच्छता की व्यवस्था की जा सकती थी, वहां स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दी जा सकती थी, वहां एयरपोर्ट बनाया जा सकता था, विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था, कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो। महोदय ये तो मुद्दा नियत का है, हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोग अयोध्या भी गए, प्रदेश के हर जनपद में गए। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। अयोध्या को इसलिए अभिषिक्त कर दिया गया था कि वोट बैंक कट जाएगा, और नोएडा और बिजनौर इसलिए लोग नहीं जाते थे कि वहां से जाने पे कुर्सी से उतर जाएंगे। हमने कहा इन चारों जगह तो जरूर जाएंगे, इसलिए भी जाएंगे कि भाई अयोध्या इसलिए जाएंगे हमारी आस्था का स्थल है, और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया, आज वो एक नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या उसकी एक पहचान दिलाई गई, अयोध्या भी हम लोग गए, कोई संकोच नहीं किया। लोग बोलते थे कि मामला, हमने कहा विवाद एक स्थल विशेष का होगा, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां की जनता को, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से। हम लोग गए, नोएडा और बिजनौर के भी बारे में मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहा कि मुख्यमंत्री उतर जाते हैं, तो मैंने कहा जो कल होना है वो आज हो जाए अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैं दोनों जगह भी गया। जब व्यक्ति के व्यक्ति स्वयं शाश्वत नहीं है तो फिर कुर्सी किसकी शाश्वत रहेगी? वो जरूर जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है, मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने कोई भेद नहीं किया। लेकिन महोदय, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास, उन्होंने भी कहा था, उन्होंने कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर
असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुचित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ। हमने यही तो कहा। उस समय 5 गांव मांगे थे भाई। भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है वो। असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है। और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले पहले होना चाहिए था, 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुछ प्रयास हुए अपने वोट बैंक के लिए। अपने वोट बैंक के लिए भारत का हर नागरिक, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक दिन सुप्रीम कोर्ट की एक अधिवक्ता, संभवतः मैं उसका नाम जान नहीं पा रहा हूं, लेकिन कुछ संभवतः कोई सुबई खान है, उन्होंने उनका एक वक्तव्य मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा वक्तव्य। उन्होंने कहा, देखिए हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हाँ मेरा मजहब इस्लाम हो सकता है, वो मेरी उपासना विधि है, मेरा मजहब है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। ये बोलने में संकोच क्या, लेकिन यहां तो अपनी पहचान को और भारत की पहचान को ही समाप्त किया जाता है। हम महिमामंडन कर रहे हैं उन्हीं आक्रांताओं का, जो भारत की लोक आस्था पर प्रहार करते थे, जन विश्वास को रौंदने का काम करते थे। भारत के महापुरुषों
भारत के वीर सेनानियों, भारत के आराध्य देवों को अपमानित करते थे, जिनके खिलाफ हमारे वीर सेनानी लड़े थे, महापुरुष लड़े थे, आज उन महापुरुषों को सम्मानित करने के बजाय हम उन आक्रांताओं को मेहमानमंडन करें, यह देश अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है, कतई स्वीकार नहीं होगा। और तब भी दुर्योधन ने कहा था सुच्याग्रम नेव दास्यामी बिना युद्धेन केशव, यानी सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं, एक कृष्ण युद्ध के बगैर नहीं दूंगा। तो महाभारत का युद्ध तो होना ही होना था, क्या हुआ, पूरा कौरव पक्ष ही स्वाहा हो गया, समाप्त। लाक्षागृह का तो अपना इतिहास है, लाक्षागृह का तो इतिहास है, पांडवों को संरक्षण देने वाला लाक्षागृह है, वहां के सारे प्रमाण इस बात को प्रदर्शित करते हैं, न्यायालय के इस फैसले का सम्मान होना चाहिए। महोदय आज सदियों की प्रतीक्षा अयोध्या में दूर हुई, आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 14 से 15 फ्लाइट अयोध्या से देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जा रही है, ये अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। जो अयोध्या को पहले छूना नहीं चाहते थे, आज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य और देश के चार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने 9 एयरपोर्ट को क्रियाशील कर चुका है और 10 और को क्रियाशील करने जा रहे हैं। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं है? प्राचीन कुंडों का पुनरोद्धार हो रहा है, भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे, कब तक ये न्याय होगा? पता नहीं, महाभारत को एक बार पढ़िए महाभारत, हाँ एकदम, आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे, बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीएम में है ही नहीं, इसीलिए कह रहे ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए परिवार के, यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मित कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कार्पेट पे नहीं चल पाए, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चाचू को ही भूल गए और बेचारे चाचू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चाचू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण में सीखते या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। और आप तो वैसे भी कभी कभी आपके बयान आते रहते हैं, लेकिन आप फिर भी बोलते हैं, आप आस्था के बारे में जरूर बोलते हैं। आप देखो अध्यक्ष महोदय, एक महोदय कैमरे में क्यों नहीं थे, कैमरे के फोकस से बाहर क्यों थे, साइडलाइन क्यों थे, उसको आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज महोदय, आज अयोध्या की पौराणिकता के साथ था वैदिक रामायण सिटी के रूप में तो अयोध्या का विकास हो ही रहा है।
लेकिन भौतिक विकास की एक भव्य और दिव्य अयोध्या हम सबको मिल रही है। 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट वर्तमान में अयोध्या में और अयोध्या से जुड़े हुए अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं, और इसमें धर्मपथ, श्री रामपथ, भक्तिपथ, जन्मभूमि पथ, इन सब का निर्माण कार्य हो चुका है। आज आप जाइए ना, सिंगल लेन की जो सड़कें थी अब वो 4 लेन की हो गई। वहां पे गुप्तार घाट, वहां पे राम घाट, नया घाट एक नए स्वरूप में आ गया। गुप्तार घाट आज कोई जाके देखेगा ना, कितना दिव्य स्थल बन चुका है। राम जी की पेड़ी, 17 के पहले पानी वहीं सड़ता था, आज हरिद्वार की हरि जी की पेड़ी की तरह दर्शन देखना हो तो अयोध्या जी में राम जी की पेड़ी में जहां दीपोत्सव का भव्य आयोजन होता है वहां यह उत्सव भी देखने को मिलता है। भरत कुंड, सूरज कुंड, ब्रह्म कुंड, ये सभी कुछ आज अयोध्या में है। मल्टी लेवल पार्किंग, एक नहीं 6-6 मल्टी लेवल पार्किंग वहां काम कर रही है। रेन बसेरे बन रहे हैं। नई अयोध्या को बसाने के लिए एक टाउनशिप की नई स्कीम वहां पे आ रही है। हर राज्य को स्टेट गेस्ट हाउस बनाने के लिए भारत के सनातन धर्म से जुड़े हुए हर पंथ और संप्रदाय को अपने अपने संप्रदाय से संबंधित धर्मशाला निर्माण के लिए भी जमीन आवंटन की कार्रवाई अयोध्या धाम में हो रही है। एक नई अयोध्या का दर्शन अयोध्या में। और अयोध्या 22 जनवरी को ऐसे ही लग रही थी जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खाने। अयोधपुरी ऐसी चमक रही थी, यानी ऐसे लग रही थी, शोभायमान थी, पूरी तरह शोभायमान थी। महोदय, अयोध्या में मात्र एक मंदिर नहीं था, भारत का एक राष्ट्र मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के लोक आस्था का सम्मान हुआ है और भारत का जन विश्वास और भी सुदृढ़ हुआ है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है, सुदृढ़ हुआ है। भारत की सनातन आस्था गौरवान्वित हुई है। सचमुच उन सभी पूर्वजों के प्रति तर्पण अर्पण करने का भी एक अवसर था जिन्होंने अपने आप को इस पूरे आंदोलन के प्रति होम किया था। 3 लाख से अधिक हिंदू शहीद हुआ था अयोध्या के। ये लड़ाई संतों के स्तर पर, राजाओं के स्तर पर, वीरों वीरांगनाओं के स्तर पर, निहंगों के स्तर पर, हर स्तर पर ये लड़ाई लड़ी गई थी। और 1984 के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, पूज्य संतों और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई उसकी परिणति थी कि अंत में 2019 में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक सर्वानुमत फैसले के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया और आज भव्य मंदिर का निर्माण वहां पर इस रूप में हम सबको देखने को मिला है। और हम सब